जी नमस्कार दोस्तों, अभिनव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने इतिहास शब्द का अर्थ, इतिहास की परिभाषा, इतिहास का विभाजन तीन भागों में बांटा था, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। और फिर अपन ने विक्रम संवत, शक संवत, ईसा पूर्व, ईस्वी की चर्चा की थी। आज अपन अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए जो अपने पास टॉपिक है, इतिहास को जानने के स्रोत, तो आज अपन अध्ययन करेंगे इतिहास को जानने के स्रोतों का, कि ऐसे कौन से साधन हैं जिनसे इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, वही क्या कहलाते हैं इतिहास को जानने के स्रोत। तो देखिए, मोटे रूप से इतिहास को जानने के स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। मोटे रूप से इतिहास को जानने के जो स्रोत होते हैं वो दो भागों में, एक तो होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होता है साहित्यिक स्रोत। तो दो होंगे मोटे रूप से, एक तो पुरातात्विक स्रोत है और एक साहित्यिक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोतों का फिर विभाजन किया जाएगा, तो देखते हैं, देखिए क्या क्या हो सकते हैं। पुरातात्विक स्रोतों का अगर विभाजन करें तो सबसे पहले होंगे अभिलेख, अभिलेखों के बाद में सिक्के, सिक्कों के बाद में मूर्तियां, फिर होते हैं स्मारक। पुरातात्विक स्रोतों का विभाजन हुआ देखिए, अभिलेखीय स्रोत, सिक्के, मूर्तियां और स्मारक। अभिलेखों का भी एक बार विभाजन और करेंगे, तो अभिलेखीय स्रोतों का विभाजन देखिए, इनमें होते हैं शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख और पटलेख। शिलालेख है, स्तंभलेख है, गुहालेख है, पटलेख है। इधर साहित्यिक स्रोतों का विभाजन देखते हैं कैसा होता है। साहित्यिक स्रोतों का विभाजन होगा देखिए, एक तो है धार्मिक साहित्य, एक है लौकिक साहित्य, इसे आप धर्मेतर कह सकते हैं, दरबारी साहित्य कह सकते हैं। तीसरा है विदेशियों के विवरण,
धार्मिक साहित्यों को भी अगर वापस विभाजित करेंगे तो धार्मिक साहित्य में देखिए, एक तो होते हैं सनातन धर्म, एक होगा बौद्ध धर्म, और एक लेते हैं अपन जैन धर्म। सनातन धर्म का साहित्य देखिए क्या क्या हो सकता है, वेद, उपनिषद और महाकाव्य। और महाकाव्य दो होंगे, रामायण और महाभारत। ये इतिहास को जानने के स्रोत हैं। इधर पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोतों का विभाजन हुआ है, देखिए अभिलेखीय स्रोत है, सिक्के हैं, मूर्तियां हैं, स्मारक है। अभिलेखों को फिर विभाजित किया गया, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख और फिर पट्ट लेख। देखिए इतिहास को जानने के सबसे विश्वसनीय स्रोत अभिलेखीय स्रोत होते हैं। इतिहास को जानने के सबसे विश्वसनीय स्रोत जो है वो अभिलेखीय स्रोत है, और इन अभिलेखों का अध्ययन, देखिए अभिलेखों का अध्ययन जो है वो इतिहास की एपिग्राफी या कहेंगे अध्ययन की एपिग्राफी शाखा के अंतर्गत होता है। अभिलेखों का अध्ययन जो है वो किसके अंतर्गत होगा, अध्ययन की एपिग्राफी शाखा के अंतर्गत किया जाएगा। एपिग्राफी को हिंदी में कहेंगे पुरा लेख शास्त्र। एपिग्राफी को हिंदी में क्या कहेंगे, पुरा लेख शास्त्र कहेंगे। इसके अंतर्गत अभिलेखों का अध्ययन होता है। तो ध्यान रखेंगे इतिहास को जानने के जो सबसे विश्वसनीय स्रोत है वो अभिलेखीय स्रोत है। अभिलेखों का अध्ययन अध्ययन की एपिग्राफी शाखा में किया जाएगा, और एपिग्राफी को हिंदी में आप बोलेंगे पुरालेख शास्त्र। अब इनमें सबसे पहले जो है वो है अपने पास शिलालेख। तो देखना है, देखिए शिलालेख क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, जो बड़ी बड़ी शिलाओं पे उत्कीर्ण लेख है वो शिलालेख कहलाते हैं। बड़ी बड़ी शिलाओं पे उत्कीर्ण लेख क्या कहलाएंगे, शिलालेख कहलाएंगे। और इस दृष्टि से देखा जाए तो अशोक के शिलालेख, तथा राजस्थान में प्रशस्ति के रूप में विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख जो 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण है, जिसे आप राज प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे शिलालेख, राजस्थान में अशोक का एक शिलालेख पाया गया है जिसे अपन बाबरू शिलालेख के नाम से जानते हैं। तो बड़ी बड़ी शिलाओं पे उत्कीर्ण लेख है वो कहलाएंगे शिलालेख। इससे अगला जो अपने पास था पाठ वो था स्तंभ लेख। स्तंभ जो बड़े बड़े पिलर खंभों पे लिखे हुए लेख है, उत्कीर्ण लेख है, वो स्तंभ लेख कहलाते हैं। अगर राष्ट्रीय दृष्टि से देखें तो भारत का सर्वश्रेष्ठ जो स्तंभ है
जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। महरौली का लोह स्तंभ जो 1700 वर्षों से खुले आसमान के नीचे खड़ा हुआ है, किसी प्रकार की कोई छत नहीं है और आज तक भी इस पर जंग नहीं लगा। इस महरौली के लोह स्तंभ से गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अगर अपन राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ स्तंभ विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, जिसमें महाराणा कुंभा से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। और भी बहुत सारे स्तंभ है। अशोक का सारनाथ स्तंभ है जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक के स्तंभों की संख्या 7 है जो 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी? 7 और 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं। अगली स्टेप में अपने पास थी मूर्तियां, श्योर गुहा लेख। तो गुफाओं में जो लेख लिखे हुए हैं, गुफाओं में जो लेख है उनको गुहा लेख बोलते हैं। और गुहा लेखों की श्रेणी में अगर देखते हैं तो अजंता एलोरा की गुफाएं, जहां से आपको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और लास्ट अपना था पटलेख। पटलेख जो कि विश्व का सबसे प्राचीन पटलेख, सिंधु घाटी सभ्यता के धोलावीरा से एक खेल स्टेडियम मिला है और उस खेल स्टेडियम की दीवार में एक सूचना पट लगा हुआ था जो विश्व का सबसे प्राचीन सूचना पट पटलेख माना जाता है। वैसे जनरली आजकल आपको सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे पटलेख दिखाई दे देंगे जिन पर जो कि सफेद अथवा काले संगमरमर की एक पट्टिका होती है जिस पर उत्कीर्ण होता है कि बनाने वाले का नाम, कब बनाया गया, किसकी स्मृति में बनाया गया। तो ये थे आपके अभिलेखीय स्रोत और अभिलेखों में सबसे पहले अपने पास शिलालेख, फिर स्तंभ लेख, फिर गुहालेख, फिर पट लेख। अब दूसरी स्टेप में अपने पास जो स्रोत है वो है सिक्के, कॉइन्स। देखिए एक सिक्के का अध्ययन की न्यूमिसमैटिक्स, सिक्के का अध्ययन किस में किया जाएगा? न्यूमिसमैटिक्स में एक सिक्के का अध्ययन किया जाएगा और इसे हिंदी में बोलेंगे मुद्रा शास्त्र। तो मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत एक सिक्के का अध्ययन किया जाता है। एक सिक्के से किसी शासक की उपलब्धि और उसकी साम्राज्य सीमा निर्धारित हो सकती है। जैसे समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि समुद्रगुप्त वीणा बजाना जानता था, संगीत प्रिय शासक था। एक दूसरा सिक्का जिस पर समुद्रगुप्त को अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करता कहा गया है, इसका मतलब हुआ कि समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था। दूसरा देखिए भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के जो हैं उनके नाम है पंच मार्क सिक्के, या इसी को अपन कहेंगे आहत
मुद्रा। तो भारत के सबसे प्राचीनतम जो सिक्के हैं उन्हें पंच मार्क सिक्के अथवा आहत मुद्रा के नाम से पुकारा जाता है। ये जो सिक्के थे तांबे और चांदी से निर्मित थे। इनकी विशेषता थी इनका आकार निर्धारित नहीं था, किसी प्रकार का कोई लेख नहीं था। तो इस तरह से एक सिक्के से किसी शासक की उपलब्धि, उसकी साम्राज्य सीमा, आर्थिक स्थिति, समय सीमा, कई चीजों का पता चलता है। अगले है अपने पास मूर्तियां। तो एक मूर्ति से कैसे इतिहास जाना जाए उसका छोटा सा देखिए। आगे चल के अपन पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान मोहनजोदड़ो, और इस मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति मिली। इस योगी की मूर्ति के बाल पीछे की ओर संवारे गए हैं और बालों में कंघी के निशान है। इसका मतलब हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बालों में कंघी करना जानते थे, कंघी से परिचित थे। दूसरा, इसी योगी ने एक शॉल ओढ़ रखी है, चद्दर ओढ़ रखा है। इसका मतलब हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास से परिचित थे। और ध्यातव्य है, ध्यान रहे, भारत में सर्वप्रथम कपास की खेती करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता को दिया जाता है और भारत भूमि को ही कपास की जननी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम कपास की खेती हुई थी भी। अब कपास है, कपास से ये लोग कपड़ा बुनना जानते हैं। भाई चादर कब होगी, शॉल कब बनेगा, जब ये कपास से कपड़ा बुनना जानते होंगे। अब एक और चीज, इस शॉल पर, चादर पर एक अलंकार बना हुआ है, तीपतिया अलंकरण। तीपतिया अलंकरण बना हुआ है। अगर तीपतिया अलंकरण है, यानी यूं मान लो कि ये लोग कढ़ाई करना जानते थे भी। और कढ़ाई कब होगी, जब सुई और धागा होगा। तो इसका मतलब हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुई और धागे से भी परिचित थे। और भी बहुत सारी मूर्तियां हैं। एक नर्तरत नारी मूर्ति मिली है जिसका कलाई से कोहनी तक पूरा हाथ चूड़ियों से भरा हुआ है, एक पैर नृत्य की मुद्रा में उठा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि ये लोग चूड़ियों से परिचित थे, नृत्य करना जानते थे। तो इस तरह से मूर्तियों से इतिहास लिखा जाता है। स्मारक, संपूर्ण भारत में बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल है, स्मारक है, दुर्ग, महल, बावड़ियां, मंदिर, जो अपने कलात्मक वैभव अर्थात स्थापत्य कला, होरिये
और इतिहास की गाथा स्वयं बोलते हैं। तो ये तो थे अपने पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के बाद में अपने पास जो इतिहास को जानने के स्रोत आते हैं वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में अपन ने विभाजित किया था धार्मिक, लौकिक और विदेशियों के विवरण, इनकी बात होती। धार्मिक में अपन ने तीन लिए थे, सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इधर लिए थे अपन ने वेद, उपनिषद, महाकाव्य, महाकाव्य दो बताए, रामायण और महाभारत। देखिए विश्व का सबसे प्राचीन महाकाव्य रामायण है, और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, और रामायण में सात कांड है। हालांकि वर्तमान में इसे काल्पनिक ग्रंथ माना जाता है, बहुत सारे लोग रामायण को काल्पनिक ग्रंथ मानते हैं, लेकिन इतिहास की जानकारी तो है। अयोध्या तब भी था, अयोध्या आज भी, श्रीलंका तब भी था, श्रीलंका आज भी। तो रामायण में बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी भरी पड़ी है। महाभारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, और इसमें 18 पर्व है, और इसमें बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी है। रचयिता थे महर्षि वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास, और ध्यान रखेंगे भारतीय इतिहास के पिता महर्षि वेदव्यास को ही माना जाता है। इसमें 18 पर्व है, और महाभारत से ज्ञात होता है कि पांडवों को 12 वर्षों का वनवास मिला था और एक वर्ष का उनका अज्ञातवास था, और वो एक वर्ष का अज्ञातवास पांडवों ने अपने राजस्थान में विराट नगर में व्यतीत किया था। उपनिषद, उपनिषदों की विषय वस्तु दार्शनिक होती है, वेदों के अंतिम भाग है, इसलिए इनको वेदांत भी बोलते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन प्रामाणिक उपनिषद केवल 12। देखिए मुंडकोपनिषद का नाम आपने अवश्य पढ़ा होगा, और मुंडकोपनिषद से भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। वेद, वेद संख्या में 4 है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, और इस पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में भारत के प्रथम ऐतिहासिक युद्ध नाम है 10 राज्य, इसका उल्लेख है, जो परुषणी नदी के किनारे लड़ा गया, और परुषणी नदी का नाम वर्तमान रावी नदी है। यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। हालांकि ये धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन इनसे सबसे ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म का ग्रंथ
अंगुतर निकाय और जैन धर्म का ग्रंथ भगवती सूत्र। और ये दोनों ही ग्रंथ 16 महाजनपदों की सूची देते हैं। तो 16 महाजनपदों की सूची बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। हालांकि कुछ नाम अलग अलग है। अब है लौकिक साहित्य या दरबारी साहित्य कह देंगे, धर्मेतर साहित्य कह देंगे। देखिए, हालांकि लौकिक साहित्यों में इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन इनमें कुछ अतिशयोक्ति भी है। ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, लेकिन कुछ अतिशयोक्ति भी मिल जाती है। जैसे चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, तो पृथ्वीराज रासो में उन्होंने लिखा है कि गजनी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की हत्या की, शब्द बेदी बाण चलाकर, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या पंजाब में जेलम नदी के किनारे शाम के समय नमाज पढ़ते समय खोखरों के द्वारा की गई थी। हालांकि रासों में इतिहास की जानकारी है, लेकिन थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण है। उधर मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत है, पद्मावत में भी महारानी पद्मनी के चरित्र चित्रण को अत्यंत बड़ा चढ़ा के लिखा गया है। तो इनमें ऐतिहासिक जानकारी तो प्राप्त होती है, लेकिन थोड़ा सा अविश्वसनीय सा बना देते हैं। विदेशियों के विवरण, तो विदेशियों में देखिए 3 विदेशियों की विशेष बात करेंगे। एक तो होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित हुआ था। भारत आने वाला प्रथम राजदूत था सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। मेगास्थनीज ने पुस्तक की रचना की थी इंडिका, और इस इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। एक और जिसका नाम था फयान, फयान की रचना का नाम है हो वो की, और फयान गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था, और इससे गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा विदेशी यात्री ह्वेनसांग था, और ये हर्षवर्धन के समय भारत आया। सी यू की लिखे, और इससे हर्षकालीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। ह्वेनसांग को नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि, महायान मोक्षदेव आदि नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे इतिहास को जानने के स्रोत, और अगली क्लास में अपन अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का। नमस्कार, धन्यवाद।